हेलो ऑल, हम हैं फिल्म की बात में और आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं बालाजी गौरी, जिनको अभी हमने रिसेंटली डिज्नी हॉटस्टार के सीरीज द फ्रीलांसर में देखा था। अस फरहत खाला, जो बहुत ही एक कैरेक्टर जो था, जो ऐसा था जो मुझे तो कम से कम याद रहेगा जिंदगी भर, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने प्ले किया है। तो वेरी वार्म वेलकम गौरी मैम टू फिल्म की बात। थैंक यू सो मच फॉर दिस. थैंक यू. एंड डिस्पाइट ऑल द ग्लिचेस, वी आर फाइनली एबल टू डू दिस, सो दैट्स वंडरफुल. थैंक यू सो ओके मच. मैम, सो स्टार्ट हेलो करते हैं मैम. द फ्रीलांसर से। मेरे साथ दीपिका भी है। दीपिका, वेरी वेलकम टू फिल्म की बात। तो थैंक स्टार्ट यू करते सो हैं मच. द फ्रीलांसर से। तो ये जो कैरेक्टर है आपका फरहत खाला का, ये एक कैटलिस्ट का काम करता है कि जो एक नॉर्मल मुस्लिम फैमिली है उसको एक्सट्रीमिस्ट लेवल पर लेके जाने का काम करता है। और वो कैरेक्टर जो है वो एक स्लम में रहता है, एंड देन जिस तरह से वो बात करता है, जो उसका प्रेजेंस है, तो इसका ब्रीफ क्या था इस सीरीज, इस कैरेक्टर के लिए आपके पास ब्रीफ क्या आया और आपने इसके लिए क्या प्रिपरेशन करी? एक्चुअली इसका ब्रीफ जब मैंने ऑडिशन दिया था तो मेरे पास यही आया था कि जैसा आपने भी कहा कि यू नो इट इज अ कैटलिस्ट टू समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द स्टोरी. तो ब्रीफ ये था कि ये कुछ ऐसा है जो ऑन द फेस शायद इतना ज्यादा नहीं होगा, बट द वे इट इज प्लेस्ड इन द स्टोरी इट्स गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड ऑफ कोर्स जैसे नॉर्मली होता है कि कोई भी इस तरह का कैरेक्टर कई बार बहुत ज्यादा अग्रेशन के साथ लोग देखते हैं. एंड आई थिंक द चेंजिंग थिंग फॉर मी वाज दैट इसमें देर वाज नो अग्रेशन. इट वाज ऑल वेरी ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज जस्ट अंडर द वॉइस, एवरीथिंग इज साइलेंट, एवरीथिंग इज पियर्सिंग. तो जब मैंने इसका ऑडिशन भी दिया था तो ये चीज जैसे नॉर्मल बातचीत होती है, कोई ऐसा जो बहुत मंझा हुआ हो, जिसने दुनिया देखी हुई हो और जो अपने जो जो भी उसका सोच विचार है उन उस पर उसका पूरा पूरा कन्विक्शन हो. सो इस तरह की फरहत खाला जिसका किसी भी तरह का डर नहीं, कंप्लीटली निर्भीक, लेकिन जो वो करना चाहती है, जो वो कहना चाहती है, that has to be very clear. So that is what I kind of kept in mind when I gave the audition also of this. And yeah, I think that is largely what it is. या एंड शी इज वेरी कॉन्फिडेंट कि वो जो सोचती है, जो बिलीव करती है, उसमें बिल्कुल फर्म है वो। एंड वो जिस तरह से कन्विंस करती है बाकी लोगों को भी उसको लेकर, दैट इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली केम आउट। आई मीन रियली, मतलब वो छोटे छोटे से आपके रोल्स हैं उसके अंदर, लेकिन जिस तरह से आपने उसको किया है ना, वो वाकई मतलब एक अलग फील देता है पूरे सीरीज को। नीरज पांडे जो है एक बहुत ही जाने माने डायरेक्टर, जैसे कि हम सब जानते हैं, तो कैसा रहा उनके साथ काम करने का अनुभव? कुछ शेयर कीजिए, कुछ अच्छे मोमेंट्स जो आपके रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य ये था कि जो पहले दिन की शूट थी उसी दिन ये बात जो पहले वाला सीन है जो मोहित रैना के साथ है वो हुआ था, और उस दिन नीरज सर वाज देयर एंड ही काइंड ऑफ डायरेक्टेड दैट सीन. सो फॉर मी आई वाज रियली प्रेइंग दैट, क्योंकि ऑफ कोर्स ही इज द शो रनर एंड सो आई वाजंट वेरी श्योर वेदर ही विल बी देयर और नॉट, बट इट वाज वेरी गुड दैट ही वाज देयर. एंड इतना प्रिसिशन है कि एक्टर के लिए मुझे लगता है इतना आसान हो जाता है, क्योंकि दाएं बाएं जाना ही नहीं है. एक बड़ा क्लियर सा इंस्ट्रक्शन है, ये चार चीजें हैं जो दिमाग में रखनी है, और सेट पर किसी तरह का कोई कोई एंजाइटी नहीं, कोई हल्ला नहीं. बड़ा अपना आराम से सबको साथ लेते हुए और बताते हुए कि आप ये कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो. तो आई थिंक ही वाज रियली वेरी एनकरेजिंग आई फील. और मैं इनफैक्ट मुझे लग रहा था कि इस सीन में समय लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल 1.5 घंटे में जब ये सीन हो गया तो मैंने उनसे कहा ये हो गया, तो कहते हाँ ये हो गया. सो लाइक आई जस्ट थॉट दैट द पर्सन नोज एग्जैक्टली वॉट ही वॉन्ट्स. सो इट वॉज वेरी गुड. इट वॉज वेरी गुड. और ऑब्वियसली मुझे इस चीज का लालच तो है कि उनके साथ, और मैंने उनको कहा भी, मैंने कहा सर ये छोटा सा है, लेकिन फिर मुझे ये भी लगा कि सृजनात्मकता छोटी और बड़ी नहीं होती. आप जब करना शुरू करते हो, आप जब इंटरैक्ट करते हो, आप देखते हो आसपास से आपको कैसी सपोर्ट मिल रही है, और वो जो सीन है एक बहुत छोटे से
उसका जो सेटअप है बहुत छोटी सी जगह पर था, बहुत गर्मी थी, सब एवरीबॉडी वाज यू नो ट्राइंग टू फिगर आउट विद द ह्यूमिडिटी एंड एवरीथिंग, बट आई एम सो ग्लैड दैट इट जस्ट वेंट जस्ट द वे ही हैड इट इन हिज माइंड. राइट राइट. सो बेसिकली मैंने आपको जब नोटिस किया था तो ये फिल्म थी अलीगढ़, उसके बाद फिर आपकी कई फिल्में आई, और देन उसके बाद आपकी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वेज वाई, वो तो वो कमाल की फिल्म थी. मुझे वो फिल्म हमेशा याद रहेगी, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है फिल्म. और जो आपका रोल था, जो फाइनल सीन्स में जब आप आते हैं तो बिल्कुल आप किल कर देते हैं, मतलब बिल्कुल ही जबरदस्त आपका एक वो प्रेजेंस आती है वहां पर. तो ये स्टार्ट हुआ कैसे, जैसे आप यूपी से बिलोंग करते हैं, आपने कैसे कुछ एनएसडी वगैरह में गए, आप कैसे किया था, आपने स्टार्ट कैसे हुआ हाँ, ये तो चीज़? मैं पैदाइश हरिद्वार की है जी सजी, और मैं 12th करने के बाद दिल्ली आई. लेडी श्रीराम कॉलेज में मैंने हिंदी ऑनर्स करा, और उसके बाद और लेडी श्रीराम कॉलेज में ही एक्चुअली मतलब हरिद्वार में स्कूल में थोड़े बहुत नाटक मैंने करे थे, लेकिन LSR एक्चुअली एक उस तरह का ग्राउंड बना जहाँ पर बहुत ज्यादा थिएटर मैंने किया, बहुत एक्सपोजर था वहां पर, अलग अलग तरह के डायरेक्टर्स आते थे. हबीब तनवीर जी के साथ मैंने अपना वहां पर पहला नाटक बाग करा था, और उसके बाद फिर मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैंने बहुत सारी जगहों पर अप्लाई करा, और मैंने NSD में भी अप्लाई किया, एंड टू माय फॉर्च्यून आई गॉट थ्रू NSD. 3 साल NSD के, उसके बाद मैं दिल्ली में काफी साल काम कर रही थी. मैंने लिखना शुरू कर दिया था, तो मैं एक्ट करती थी और मैं लिखती भी थी. और 2008 में फिर मैं बम्बई आई, और फिर वो एक जो बम्बई वाली स्ट्रगल है वो 2008 से शुरू हुई. और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्ट्रगल ऐसी है शायद मेरे लिए नहीं सभी के लिए, कि आपने कुछ भी किया हो, आपने कितना भी किया हो, लेकिन यहाँ से आप फिर पहला कदम उठाते हो, लोगों से मिलते हो, बात करते हो, तो इट डजंट रियली मैटर व्हाट यू हैव डन, यू आर अ यू नो यू आर आउट देयर एंड यू हैव टू कीप प्रूविंग योर वर्थ. सो ऑफकोर्स काफी साल कुछ 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 थोड़ा बहुत इधर उधर, कुछ साल तो बिल्कुल भी काम नहीं था, लेकिन मैं बुद्धिज्म फॉलो करती हूँ, चांट करती हूँ मैं नमः होरेंगे को, तो प्रार्थना ने पकड़े रखा एंड आई काइंड ऑफ कंटिन्यूड. और 2015 में फिर हंसल मेहता की अलीगढ़ हुई, सो दैट वाज लाइक माय. उससे पहले मैंने धूमकेतु करके एक फिल्म थी जिसमें आई नवाजुद्दीन. वाज हाँ, तो वो मैं अनुराग कश्यप के साथ मेरा एक सीन था, वो 2014 में हुई थी, पर वो आई बाद में. फिर उसके बाद ऑफ कोर्स अलीगढ़ हुई, और हंसल सर के साथ भी काम करना, इट वाज अनबिलीवेबल, इट वाज सो अगेन वेरी क्लियर. तो जब डायरेक्टर आ रहे हैं सेट पर तो कोई इट्स सो क्लियर, अच्छा ये, तो जब वहां उस तरह की विजन की क्लैरिटी होती है तो ऑब्वियसली फिर एक्टर के लिए आपको पता है कि ठीक है ये है और ये आपको प्रेजेंट करना है. वो फिल्म अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी, जिस तरह का उसमें ऑफकोर्स उसमें मेरा नेगेटिव है रोल, और वो फिल्म उसके बाद मैंने कुछ साल क्राइम पेट्रोल किया, जो ये जो आता है वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी, क्राइम पेट्रोल करना. और आई थिंक जो एक चुपचाप बैठ के मंझना होता है, लंबी लंबी वेट करना, अच्छा अब आपका सीन आएगा अब होगा, बट आई थिंक आई जस्ट कंटिन्यू टू जस्ट क्वाइटली डू, और क्राइम पेट्रोल में धीरे 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 कभी एक बार बुलाया, कभी दो बार बुलाया, फिर और थोड़ा 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 बुलाने लगे, तो मुझे भी ये लगा कि मैंने ऑब्वियसली कठिन तो है, आसान तो कुछ भी नहीं है, कई बार बहुत लंबा आप 14 घंटे वेट कर रहे हो, उसके बाद आपका एक 5 मिनट का सीन हो रहा है, बट आई एम एक्चुअली वेरी ग्रेटफुल क्राइम पेट्रोल के जितने भी डायरेक्टर्स थे या जो भी था, उन परिस्थितियों में वो सब चीजें करना वो एक अलग लर्निंग बनी मेरे लिए. उसके साथ साथ एक और मैंने छोटा कुछ किया था, फिर धड़क आई 2018 में, उसमें मैंने एक दो सीन है मेरे, बट दे वर रिसीव्ड वेल. और फिर 2019 में ये निखिल अडवाणी जी ने वो करा था मुंबई डायरीज 2611, उसका ऑडिशन मैंने दिया, और वो मेरे ख्याल 2021 में वो आया था, कोविड के बाद शूट पहले कर लिया था, तो दैट वाज आल्सो वेरी वेल रिसीव्ड. एंड आई थिंक ऐसे माने शायद उस समय पर लगता है कि
धीरे 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 थोड़ा 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 आप कर रहे हो, लेकिन मैं हरिद्वार से हूँ, मेरे शहर में गंगा बहती है, और मैंने सिर्फ एक चीज सीखी है कि बहना जरूरी है, और पानी किसी भी तरह से अपना रास्ता निकाल लेता है। सो आई थिंक जस्ट दिस स्पिरिट ऑफ कंटिन्यूइंग, आई फील दैट आई हैव लर्न फ्रॉम माई प्रैक्टिस ऑफ बुद्धिज्म, एंड फॉर द फैक्ट दैट आई बिलोंग टू अ प्लेस वेयर द वॉटर नेवर स्टॉप्स, मतलब उसका अस्तित्व ही उसके चलने में। बिल्कुल सो आई फील दैट इट मे बी, इट हैज बीन अ डिफिकल्ट जर्नी, इट कंटिन्यूज टू बी द सेम, बट जो स्ट्रगल के मायने आर्टिस्ट के लिए बदलते हैं। सो इसमें जैसे एक अलग तरह का, अच्छा ऐसा रोल तो क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है। सो आपने पूछा कि मेरी तैयारी कैसी थी, तो ऑफकोर्स एक तो ये जरूरी था मेरे लिए कि किसी भी समय पर ये ऐसा ना लगे कि ये भाषा अपरिचित है। तो एक मेरी बहुत अच्छी जानकार हैं जो अपनी फील्ड में बहुत बहुत जबरदस्त उनका होल्ड है, आयशा आपा, तो उनसे मैं मिली और उनके साथ मैंने मतलब बेसिक से शुरू करा कि दुपट्टा कैसे लेते हैं और तरीका क्या है, क्या बोला जाता है। जैसे कोई भी बात होती है तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाता है। सो यू नो आई काइंड ऑफ स्टार्टेड, आई जस्ट स्पोक टू हर एंड शी ऑफ कोर्स टोल्ड मी मेनी थिंग्स। फिर एक इन्हीं की तरफ से, फ्राइडे फिल्म्स की तरफ से, दे वर वेरी काइंड दैट दे सेड कि एक भाई जो भी अगर आपको जिस तरह से जो बोलना है सही तरह की प्रोनंसिएशन, सो समबडी काइंड ऑफ सैट विद मी वंस, तो मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया। तो अपने डायलॉग के साथ साथ मैं ऑफकोर्स सुबह दोपहर शाम रात उसी तरह से बोलना, जैसे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो ये अब एकदम से नहीं आएगा जब तक मैं अपने आप कैमरे के पीछे 50 बार नहीं बोलूंगी। इस तरह की मेरी तैयारी थी और ये मुझे पता था कि ये मेरी अपॉर्चुनिटी है, जिसका अकलमंदी ये कहती है दैट आई कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट, यू नो। सो दैट्स व्हाट आई आई ट्राइड टू डू। और अपना फिर ऑफकोर्स सेट पर जाकर जिस तरह का माहौल है, सामने वाले एक्टर या जो भी एक्टर्स हैं उनको साथ लेते हुए सबकी परफॉर्मेंस सज सके, दैट इज इम्पोर्टेंट। मतलब एक होता है ना कि आप कई बार सिर्फ शायद सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, लेकिन कहीं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और वहां पर टीचर्स के साथ जिस तरह का वो रहा है, स्पेशली एक बार नसीर सर आए थे हमें पढ़ाने और उन्होंने ये बात कही थी विच हैज रियली बीन वन ऑफ द की थिंग्स दैट आई ऑलवेज रिमेम्बर। उन्होंने कहा था कि मतलब एक्टिंग हमेशा इट्स अ कलेक्टिव वर्क, सो आप कितना किसी और को किसी और के काम को उठा सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, दैट इज समथिंग विच, सो दिस इज समथिंग दैट आई ऑलवेज हैव इन माई माइंड। और बीच बीच में जब मैं भूल जाती हूँ तो मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ दैट इट इज नॉट जस्ट मी, देर आर यू नो देर आर अदर पीपल, एंड व्हेन आई से अदर पीपल आई ऑल्सो मीन नॉट जस्ट पीपल हु आर सीन ऑन द कैमरा, बट देर इज सो मच दैट इज देयर बिहाइंड द सीन। सो टू बी एबल टू रिमेम्बर दैट इफ आई एम एबल टू बी हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और मैं अगर इस तरह से परफॉर्म कर पा रही हूँ, तो उसमें बहुत लोगों का योगदान है। आप अकेले खड़े होके नहीं कह सकते भैया ये हमने किया है और ये हमारा है, तो ये सिर्फ मेरा है। थिंक दिस कलेक्टिवनेस इज इम्पोर्टेंट पर्सनली फॉर मी। सो वेरी या वेरी सो दिस फिलोसफिकल, वेरी फिलोसफिकल दैट इज. गौरी मैम, एक और पूछना चाहूंगा. एक आपकी जो मूवी थी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, उसमें भी अगेन आपने अलीगढ़ के बाद एक वकील का रोल किया था, एंड वेरी फियरस, मतलब बहुत ही कमाल का. जो आपने जो लास्ट में स्पीच आप देते हो, और जो आपकी एक स्माइल है, एक पर्टिकुलर क्वालिटी है आपकी स्माइल में, वो आपने वहां पे अच्छे से एक्सप्लोर करी है. और एक जो पूरा गेटअप जो था वो एक उषा उथुप टाइप का, आपने बड़ी बिंदी वगैरह लगा के पूरा, जो जिस तरह से आप सामने आए वो बहुत ही कमाल का था. मैं दीपिका की तरफ भी उड़ूंगा, दीपिका भी कुछ क्वेश्चन लेके बैठी होंगी, लेकिन इससे पहले मैं आंसर जानना चाहूंगा कि ये जो रोल था, ये रोल आपको कैसे मिला और इसकी क्या तैयारी आपने करी. मतलब क्योंकि ये रोल बेशक फिल्म के एकदम एंड में आता है, लेकिन आप जब फिल्म देख के बाहर निकलते हो या फिल्म देख के जब आप बैठते हो उस फिल्म के बारे में सोचने के लिए, तो सबसे ज्यादा जो स्ट्राइकिंग है वो आपकी पर्सनैलिटी करती है वहां पे आके. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब जैसे आपने बोला कि आपको जो रोल मिले आपने उनको मैक्सिमम यूज किया, आपने उनको मैक्सिमम अपना दिया उसके अंदर, वो बहुत अलग था. जो आप फरहत खाला था उससे एकदम अलग तरह का रोल था वो, तो उसके लिए क्या आपने तैयारी करी.
मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे का जब पहला कॉल मेरे पास आया, और ये कास्टिंग कंपनी है के रोल, कविश सिन्हा की, तो उनकी तरफ से आया और मैं मिली डायरेक्टर से, क्योंकि उस समय पर शायद इनिशियल स्टेजेस पर सब कुछ चल रहा था. तो बातचीत वगैरह हुई, और ऑफकोर्स मतलब पहली दूसरी बातचीत से बहुत ज्यादा पता नहीं चलता है कि यू नो वेयर वन इज गोइंग. सो मुझे पता था कि भाई अगर ऑडिशन होता है तो, और जिस तरह का जैसा भी ऑडिशन होगा, देन आई एम गोइंग टू डू माई बेस्ट. और ऑडिशन के बाद ऑफकोर्स व्हेन आई कम आउट ऑफ देयर, आई एम गोइंग टू जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, क्योंकि आप पकड़ के नहीं बैठ सकते. ये, और फिर उसके बाद कोविड की सेकेंड वेव आ गई थी, तो आई थिंक थोड़ा सा शायद प्रोजेक्ट में भी डिले वगैरह हुआ था. फिर काफी महीने गुजर गए, फिर दोबारा मेरे पास फोन आया कि इस तरह से हम कंसिडर कर रहे हैं. एंड देन ऑफ कोर्स फाइनली, बिकॉज दिस इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय एमए एंटरटेनमेंट, जो निखिल अडवाणी जी की कंपनी है, तो अगेन आई व्हेन आई गॉट दिस कि भाई आपका है, सो आई जस्ट थॉट दैट ऑब्वियसली दिस इज एन अपॉर्चुनिटी एंड आई मस्ट डू माई बेस्ट. बहुत ज्यादा डिफरेंस है अलीगढ़ के लॉयर और मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लॉयर में. और मुझे लगा, मैंने कहा भाई लॉयर है, लेकिन फिर मुझे ये भी पता था कि जो मुझे बताया गया था कि दैट दिस कैरेक्टर इज रियली गोइंग टू, मतलब व्हेन द केस कम्स टू इंडिया एवरीथिंग टर्न्स अराउंड. सो द प्लेसमेंट ऑफ द कैरेक्टर इज ऑल्सो लाइक रियली इम्पॉर्टेंट. तो मैंने मतलब ऑफकोर्स ऑडिशन और यू नो अ कपल ऑफ राउंड्स ऑफ ऑडिशंस, एंड आई ऑलवेज वेंट विद दिस हार्ट दैट राइट नाउ आई विल डू माई बेस्ट, और फिर बाकी देखेंगे. अगर ये फिल्म के लिए अच्छा है और मेरे जीवन के लिए अच्छा है तो ये होगा, और अगर नहीं तो यू नो फिर मतलब देर इज ऑलवेज समथिंग एल्स दैट काइंड ऑफ इज देयर. और मुझे ये भी पता था कि ये रोल जो भी करेगा वो बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि रोल मतलब अपने आप में, अगेन जो उसकी प्लेसमेंट है, जो जिस तरह की चीजें वो बोल रही है, सो दैट आई वाज वेरी क्लियर कि एनीबॉडी कोई अच्छा एक्टर करेगा, और वो हर एक्टर अपने साथ अपना इतिहास लेकर आता है, और वो उसके लिए सच है, वो ऑडियंस के लिए सच बना देता है. सो दैट्स व्हाट आई फील्स कि यू नो इट्स एवरीबॉडी हैज देयर ओन स्पेशल थिंग दैट दे विल काइंड ऑफ गेट ऑन द टेबल. सो फाइनली ऑफ कोर्स इट हैपेंड. और मेरी जो तैयारी थी वो स्क्रिप्ट के लेवल पर तो बहुत जबरदस्त थी, क्योंकि सारा जो कॉन्वर्जेशन था उसमें ऐसी, मतलब आप एकदम से इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि लीगल लैंग्वेज है और लंबे लंबे चंक्स थे, और मतलब पूरा जिस तरह की बातचीत हो रही है बहुत कट टू कट है, उसमें कुछ एक अपने लिए निकाल पाना, कोई एक मोमेंट निकाल पाना वाज डिफिकल्ट. बट अब जैसे आप पूछ रहे हो, तो मैं भी ये रिफ्लेक्ट कर पा रही हूँ कि जब मेरी तैयारी होती है तब मैं ये नहीं सोचती मैं यहाँ ये अपने लिए निकालूं, तब मैं सिर्फ तैयारी करती हूँ. तब मतलब मुझे लगता है कि मेरा होमवर्क बहुत जरूरी है बिफोर आई गो ऑन द सेट, एंड वंस आई एम देयर देन जो उस मोमेंट की जो सच्चाई है, जो ट्रूथ है, सामने वाला एक्टर जो आपको दे रहा है, जो एनर्जी आपको मिल रही है, जो क्रिएशन उस समय पर वहां हो रहा है, उसमें फिर जो कुछ भी होगा वो सच होगा, क्योंकि आप यू आर कमिटेड टू द ट्रूथ ऑफ दैट मोमेंट. यू आर नॉट ट्राइंग टू, मतलब मैंने पहले ही घर पे नहीं सोच लिया कि जब ये वाली लाइन होगी तो ये वाला मेरा लुक होगा. मुझे तो पता भी नहीं कि पता नहीं क्या लुक होगा. एंड आई थिंक एक टेक से कई बार दूसरे टेक में वो चीज कई बार फर्क होती है, कई बार नहीं होती है, बट दैट्स व्हाट आई ऑल्सो इंजॉय कि आई एम एबल टू, द सीन इज एबल टू सरप्राइज मी, आई एम एबल टू सरप्राइज माई सेल्फ. क्या नया अभी आ रहा है, क्या नई चीज हो रही है. तो इस तरह से मतलब वो जो लास्ट का पूरा मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे का एक पूरा बना, और जो एंट्री थी विच काइंड ऑफ बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड मेनी पीपल स्पोक अबाउट माई एंट्री व्हेन आई एंटर इन द कोर्ट. सो दैट वॉज शेयर्ड बाय निखिल सर. उन्होंने, निखिल अडवाणी जी ने ये सजेस्ट किया, एंड ऑफकोर्स पता नहीं कितनी बार आई काइंड ऑफ रिहर्स्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन बिफोर वी एक्चुअली टुक द
टुक द फाइनल थिंग, द फाइनल थिंग हैपेंड, बड़ी रिहर्सल करी एंड देन ऑफ कोर्स इट हैपेंड। बट उषा उत्थुप वाला तो मुझे सालों से लोग कह रहे हैं कि आप उषा उत्थुप की तरह लगते हो, सो हाँ दैट समथिंग दैट आई हैव काइंड ऑफ नाउ टेकन विद अ लॉट ऑफ जॉय, बिकॉज दिस मे बी ट्रू, आई डोंट नो। समथिंग कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ जो रोल्स होते हैं ना, ऐसा लगता है कि उस एक्टर के लिए परफेक्टली मेड है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि वो जो रोल था वो आपके लिए था और आपको मिला, एंड यू नेल्ड इट। या सो दीपिका, प्लीज सॉरी मैं आपको वेट करा रहा हूँ काफी देर से, मुझे क्योंकि मन कर रहा है बहुत बातें करने का, बट ओवर टू यू, अब आपका आपका मैदान। या थैंक यू सजीव जी। और गौरी जी को सबसे पहले तो मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया कि खाता के रोल में जो आपका लुक है और अभी आप जो है वो बहुत ही ग्रेशियस, ब्यूटीफुल, और एक जैसे होता है ना कि देख के अच्छा लगता है, एक ऑरा होता है जिसको आपका मन करता है कि देखते रहो, तो आपका उस तरह का ऑरा है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी गौरी जी कि ये जब आपके पास रोल आया, जैसे कि आपका मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे में एक बड़ा ही पावरफुल और पॉजिटिव रोल कह सकते हैं, तो जब कोई नेगेटिव रोल वापस आता है एक अरसे के बाद, तो उसको एक्सेप्ट करने में क्या टाइम लगता है, या आपको ये जैसे मोस्टली एक्टर्स करते हैं कि नेगेटिव रोल नहीं लेंगे अब, तो क्योंकि एक इम्प्रेशन हो जाता है दर्शकों पे कि नेगेटिव रोल है, तो मतलब पॉजिटिव और हीरो वाला रोल अलग इम्प्रेशन छोड़ता है और नेगेटिव। तो आपके पास जब ये स्क्रिप्ट आई या जब आपके पास ये रोल आया, तो आपके सबसे पहले दिमाग में क्या था, एक्सेप्ट डायरेक्टर के इनके साथ मुझे काम करना है वो छोड़ तो के सबसे पहली नेक्स्ट चीज, उसमें आपने क्या सोचा? हाँ सबसे पहली चीज तो मेरे तो त्रिशान और शुभम कास्टिंग कंपनी ने इसको इस वेब सीरीज को कास्ट किया है, तो जब उनकी तरफ से कुछ आता है तो मुझे ये पता है कि वो सोच समझ के मुझे बुला रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि आप ये करके देखो। उन्होंने मुझे काफी सालों से देखा है, उन्होंने मेरी स्ट्रगल देखी है, उन्होंने पीछे भी एक आध जब भी उनकी उनके उनके बस में था, दे काइंड ऑफ ऑफर थिंग्स टू मी, सो व्हेन इट कम्स फ्रॉम देम आई वांट टू बिलीव दैट दे आर गिविंग मी समथिंग व्हिच इज गुड। सो माय फर्स्ट रिएक्शन ऑलवेज इज दैट दे थॉट अबाउट मी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। बाकी चीजें बात की बातें। फिर दूसरी चीज आई कि अच्छा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितना एक नेगेटिव चीज को मैं कितना पॉजिटिवली कर पाऊं विद माई हार्ड वर्क, विद माई यू नो लाइक मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट। सो द वरी इज नेवर कि ये नेगेटिव है और ये, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई एम एन एक्टर एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई एम एबल टू गेट द अपॉर्चुनिटीज टू शो वेरियस फैसेट्स ऑफ माई टैलेंट। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे में आई एम फाइटिंग फॉर जस्टिस एंड ट्रूथ एंड यू नो दैट्स सुनैना प्रताप एंड देयर इज दिस फरहत खाला हु बिलीव्स इन व्हाट शी बिलीव्स इन एंड फॉर हर इट इज राइट। सी द नेगेटिव एंड पॉजिटिव इज अ परसेप्शन दैट पीपल हैव व्हिच इज ट्रू। आई आल्सो हैव कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, बट फॉर द पर्सन हु इज डूइंग इट इन देयर लाइफ बिकॉज दे बिलीव इन इट दे डूइंग इट। सो और मतलब मुझसे ये कहा भी उन्होंने, शुभम ने इनफैक्ट कहा था कि आप ये देखो क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप इसका मतलब ऑडिशन दो, और तो मैंने कहा तुम कह रहे हो एंड देन आई जस्ट गो विद दैट, आई सेड नो आई विल ऑफ कोर्स गिव एंड देन ऑफ कोर्स इट्स नीरज पांडे, सो इट काइंड ऑफ आल्सो गोज हैंड इन हैंड दैट वे। उसने कहा कि बहुत ज्यादा ना भी हो लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट है इन द यू नो इन द मेकिंग ऑफ द स्टोरी। सो देन आई सेड मतलब इस बीज में मुझे पेड़ उगाना है तो लेट मी जस्ट डू इट। ट्रू। तो बहुत ही खूबसूरती से मैम आपने ये निभाया, क्योंकि आपका जो एक फर्स्ट लुक आता है, एक वो दो लोगों के बीच में एक छोटा सा जब फर्स्ट लुक आपका आता है, वही छाप छोड़कर चला जाता है। तो उसके बाद हम ढूंढते हैं एक्चुअली सीरीज में कि हु वाज दैट लेडी, तो वही इम्प्रेशन जो है आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ही पूरे उसमें छाप छोड़ कर गया है आपके रोल की। और एक चीज मैं जानना चाहूंगी, एक एक्सप्रेशंस देना और सब कुछ ये एक्टर्स का काम, लेकिन किसी रोल को इतना इंटेंस होकर एक्सप्रेशन लेस तरीके से करना कितना मुश्किल?
क्योंकि आप बिल्कुल ही शांत, जबकि आपका रोल होना चाहिए बड़ा एग्रेसिव, जैसा कि बात हुई, और आपकी बातें जब आप उनसे मिलने भी जाती हैं तालिया की मदर से, तो हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब एज अ दर्शक, कि आप बड़े शांति से कुछ शब्दों में आप अपनी पूरी बात कहकर वहां से चली जाएंगी। तो वो ये कितना मुश्किल होता है कि बिना एक्सप्रेशन, बिना एग्रेशन के उस शब्दों को इतनी, जैसे कहते हैं, पावरफुल तरीके से डिलीवर कर। मुश्किल तो है, अभी वो उस मुश्किल का मापदंड बनाना मेरे लिए मुश्किल है कि ये कितना मुश्किल। ऑफ कोर्स इट इज डिफिकल्ट, बट आई थिंक आई विल अगेन गो बैक टू, अगर उस व्यक्ति में या उस कैरेक्टर के अंदर जो वो कर रहा है या कर रही है कन्विक्शन है, तो कुछ जरूरत ही नहीं है ना किसी और चीज की। मतलब आई हैव सडनली सीन अ चेंज ऑफ बॉडी लैंग्वेज राइट नाउ इन द 5 सेकेंड्स व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू, बिकॉज आई फील दैट इफ दैट्स व्हाट फरहद बिलीव्स इन, शी बिलीव्स इन, शी डजंट हैव टू से नथिंग मोर। ये है, ऐसे है, और लिखा हुआ भी वो नपे तुले गढ़े हुए शब्द हैं। वो शब्दों जैसे एक जो लाइन है जब वो बात करती है कि जब वो मिलने जाती है आलिया की माँ से, और वो कहती है कि मतलब मुझे आपकी हिदायत की जरूरत नहीं, तो यू नो फरहत नहीं से जरूरत का क्या है, पढ़ ही कभी जाती है। तो कभी भी फिर ये मैंने अभी इसमें है ही नहीं कुछ और, मुझे लगता है ये लाइन इज इन इटसेल्फ अ हीरो, सीरियस दैट इफ इफ द एक्टर इज एबल टू हियर दैट बिहाइंड द लाइन, वॉट इज नॉट सेड बट इट इज। यस और वो आपकी अपनी जो आप घर पे तैयारी करते हो, आप बार 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 स्क्रिप्ट के साथ, क्योंकि मेरे लिए तो मतलब स्क्रिप्ट सबसे बड़ी चीज है। मैं लाइन को तोड़ मोड़ इधर उधर कर लूं, ऐसे बोल दूं, मुझे लगता है कि राइटर ने सोच के लिखा है, उसका फुल स्टॉप भी बड़ा सोचा हुआ होगा, तो नहीं मैं इसे अपना बनाने के चक्कर में उधर से उधर और उधर से उधर कर लूं, आई डोंट थिंक दैट्स द राइट। आई एम बिकॉज आई एम माई सेल्फ ऑल्सो अ राइट राइटर, आई फील दैट इसमें देर इज थॉट दैट हैज गॉन इन, एंड माई जॉब इज टू टेक आउट दैट थॉट एंड इवन मोर, दैट्स वेयर। सो फ्रॉम द पेपर व्हेन इट मूव्स टू द एक्टर सेइंग इट, That's what the audience can see. And then, of course, from the audience, you know, from the screen when you deliver it. So, what is it that you felt, Deepika, or what is it that you know Sajeev felt, or many other people are feeling, is what is the most. It is said, but it is said in a way which is the truth of our life. और सच को बार बार नहीं बोला जाता ना, एक बार बोल के। हाँ ओके गौरी मैम एंड दीपिका, हमारे पास सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। गौरी मैम एक कुछ वर्ड्स बोलूंगा, एकदम इंस्टेंटली जो माइंड में आता है वो बोलिएगा एकदम इंस्टेंटली। जस्ट छोटा सा एक पार्ट कर लेते हैं। मोस्ट डिफिकल्ट रोल ऑफ योर लाइफ? नन ओके और ऑल ओके सो व्हाट काइंड ऑफ रोल यू आर एक्सपेक्टिंग, मतलब कुछ ऐसा जो आइडियल रोल आपका हो, जो जो ड्रीम रोल हो आपका, कोई ऐसा रोल नहीं, प्लेड बाय एनी प्रीवियस एक्ट्रेस और समथिंग? नो इट इज मतलब अच्छा आप ये पूछ रहे हैं कि जो पहले किसी ने किया हुआ हो, राइट राइट नहीं ऐसा मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता, जिन्होंने किया बहुत अच्छा ही किया है, अच्छा, और लाइक आई सेड कि सबका अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है। सो कोई कोई एक फेवरेट फिल्म? अरे ये तो बड़ा मुश्किल है ऐसे एनी जो भी माइंड में आता है फटाफट। No, this is difficult. I can't say like this. ओके I'm not a multiple choice person. बिगेस्ट सपोर्ट ऑफ योर लाइफ, मतलब आप आपकी आपकी स्ट्रेंथ पिलर कौन है? माई मेंटर डॉक्टर दाइसा कुएकेदा, ओके एंड एनी सॉन्ग जो आपके साथ हमेशा रहता है, जिसको आप हमेशा गुनगुनाते हो या डिफिकल्ट टाइम में उसको सुनते हो मोटिवेट होने के लिए? अब जब जैसे आपने कहा एनी सॉन्ग, मैंने आगे नहीं सुना और मेरे दिमाग में सॉन्ग आ गया, आई कैन दैट्स वन सॉन्ग दैट आई रियली लाइक,
बट ऐसा नहीं है कि जब मेरी मतलब मुश्किल के दिन है तब मैं गाती हूँ. दिस इज समथिंग आई लाइक दिस सॉन्ग एंड इट्स रोज रोज आंखों तले एक ही सपना पले, रात भर काजल जले आंखों में इस तरह ख्वाब का दिया जले. वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच गौरी मैम, थैंक यू दीपिका, बहुत ही अच्छी कॉन्वर्सेशन रही। मैं चाहता हूँ कि आपके और भी प्रोजेक्ट इस तरह से देखो कि आपका जो चेहरा है, जो आपका एक्सप्रेशंस हैं, वो इतने कमाल के हैं ना, मतलब वो हर कैरेक्टर को अलग तरीके से डिफाइन करके रख देता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने मिसेस चटर्जी की बात करी और मैंने अभी इसकी फ्रीलांसर की बात करी, ये दोनों ही कैरेक्टर एकदम अलग थे और आपने इसको बिल्कुल अलग तरीके से पोर्ट्रे किया है। मैं और भी आगे आगे आपके देखना चाहूंगा, अभी फ्रीलांसर का भी शायद सेकंड पार्ट आएगा तो उसमें भी आपके पार्ट्स होंगे, देन आगे भी आपके जो और प्रोजेक्ट्स सजीव हैं। जी, इनका जैसे हमें मिसेज नॉर्वे में इनसे प्यार हो जाता है, और भाग के ही मैं कहूंगी फ्रीलांसर में इनसे नफरत होगी. दैट इज द क्वालिटी ऑफ द एक्टर्स ना, मतलब तो वो यही यही। कैरेक्टर की एक हाँ राइट राइट, है, पावर है जिसे कहते हैं, जिन्होंने तो बहुत अच्छे से निभाया गौरी जी आपने. अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं गौरी मैम आपके? तो अभी मुंबई डायरीज का सीजन 2 आ रहा है, ओके पर कब आ रहा है ये मुझे नहीं पता. मेरे ख्याल से आने वाले कुछ शायद इन अ कपल ऑफ मंथ्स, बट उसका सीजन 2 है. और बाकी इसका मतलब पार्ट ये टू है। हाँ जो फ्रीलांसर थोड़ा के है एपिसोड आगे, और अदरवाइज काम की तलाश. जी। ऑल द वेरी बेस्ट गौरी मैम, एंड थैंक यू वंस अगेन, बहुत मजा आया बात करके। यस थैंक यू सो मच सजीव ऑल फॉर द फॉलोइंग बेस्ट। अप एंड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. इट हैज बीन वंडरफुल स्पीकिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू थैंक दीपिका. थैंक यू. यू थैंक यू दीपिका, मैम. थैंक यू. थैंक बेस्ट ऑफ लक. ओके थैंक यू सर. यू।